तो सबसे पहले मैं आपको देखिए अपने यहाँ की मस्जिद दिखा रही हूँ, अपने घर के सामने की देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक, इतनी खूबसूरत लगी। ये गलियाँ हमारी देखिए कितनी अच्छी सज गई हैं, गलियों में रौनक आ गई है, सब लोग नमाज के लिए भाग रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए नमाज के, क्योंकि ईशा का वक्त हो गया, तरावियों का टाइम हो गया है, तो सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो आज हम अपने जूफी फूड में कोई कुकिंग के साथ छोटी सी व्लॉगिंग करने वाले हैं, तो आपको ये माशाल्लाह से जरूर पसंद आएगी। तो ये देखिए ये हमारे बालकनी पर लाइट लगाई है हमने, तो देखिए फटाफट से ईशा का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से हम सालन बना लेते हैं ताकि खाकर तरावी पढ़ने जा सके बच्चे वगैरह। तो देखिए फटाफट से मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ सरसों का, और 3 टेबल स्पून मैं इसमें कुटा हुआ धनिया, इंस्टेंट स्टू बन रहा है ये, आधा चम्मच मैं इसमें डालती हूँ काली मिर्ची कुटी हुई, आधा चम्मच डालती हूँ जीरा, 1 चम्मच डालती हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, और मैं डालूंगी इसमें पौना चम्मच डालूंगी मैं इसमें नमक, आप ध्यान से देखना, और आधा चम्मच डालूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। सारे मसाले हमारे जा चुके हैं, देखिए झटपट वाला स्टू बन रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, और देखिए मसाले जो कूट के रखने का फ़ायदा ये होता है, तो देखिए मेरे पास सारे मसाले कूटे हुए रखे थे, तो झटपट वाला स्टू ये बन रहा है। तो आप देखिए आप इस तरीके से बनाना, आपको ये स्टू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी आसानी से स्टू को बनाया। तो बस 4-5 मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, साबुत लाल मिर्च हरी, और देखिए जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के रखा था वो 3 क्यूब डाल दी, क्योंकि हमारा 3 पाव गोश्त है इसलिए हमने 3 क्यूब डाल दिया। फटाफट से अपने डाल देंगे हम ये देखिए 2 सिर्फ टमाटर, ऐसे हाफ कट कर इस तरीके से डाल देंगे, कोई टुकड़े नहीं करने हैं, बस इस तरीके से हाफ डाल दें बस। और डालूंगी मैं इसमें 4 मीडियम साइज की प्याज, बस मसाला डालते डालते आ गया कुकर में उबाल, क्योंकि मैं छोड़कर चली गई थी बीच में किसी और काम के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो लाइट वाइट लगा रहे हैं, नया लाइट वगैरह लगा रही है। तो देखिए मैं फटाफट से इसमें अब जो मैंने 4 प्याज है उसको बहुत ही रफली मोटा मोटा चॉप कर लूंगी मैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, रमज़ान की जो चांद रात है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा व्लॉग बना रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं ऐसे ही और बनाती रहूँगी पूरे रमज़ान, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। और देखिए मैंने कितने मोटे मोटे टुकड़े करे हैं प्याज के, इस तरीके से आप 4 प्याज के टुकड़े इस तरीके से करके कुकर में डालूंगी पानी। तो देखिए मेरे कुकर में बिना पानी का गोश्त नहीं बनता, तो मैं इसलिए इसमें आधा कटोरी पानी ऐड कर दूंगी, देखिए इस तरीके से बस। अब मैं इसमें डालूंगी, देखिए मैंने साबुत मसाले तो ऐड नहीं किए, तो मैं पिसा हुआ आधा चम्मच गर्म मसाला ऐड कर दूंगी, और 3-4 पत्ते डाल दूंगी मैं इसमें तेज़पात के। तो हार्डली है कि ये जो मेरे को स्टू चढ़ाने में 5 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि सब चीज़ मेरी ऑलरेडी से तैयार थी। अगर आपने भी ये तैयारी पहले से की है ना, लहसुन अदरक पीस के बहुत सी सारी चीज़ों की तैयारी की, तो आपको भी सालन चढ़ाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस आप 5 से 6 सीटी तेज गैस पर लगा दें, और आधे घंटे के लिए कर दें गैस कम। इतने हमारा ये सालन बनता है। इतने मैं आपको दिखाती हूँ इनाया ने कैसा रूम को डेकोरेट किया है। तो देखिए रमज़ान आ गए, तो इनाया ने रमज़ान करीम लिखा और मुबारक लिखना भूल गई है। देखिए इस तरीके से इनाया ने लिख लिया रमज़ान करीम और मुबारक, मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से, और लाइट्स वगैरह लगाई है इसने अपने रूम में, ये देखिए माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, नायक को भी बहुत अच्छी लग रही है, आई होप आपको भी अच्छी लगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली है, दिखा रही हूँ आपको कितनी खूबसूरत सी ये लाइट लग रही है। मैं लाइट आपको ये देखिए नया ने एक छोटा सा सिटिंग सा एरिया बनाया इस तरीके से साइड में, अलमारी के साइड में, ये देखिए इस तरीके से ब्लू लाइट लगाई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंधेरा कर, ये देखिए लाइट्स ऑफ करके, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए रमज़ान की जो खुशियाँ हैं, रमज़ान की खुशी अल्लाह ताला इस तरीके जिस तरीके से बचपन में होती ना, इस तरीके से ही बड़े होकर भी अल्लाह ताला सबके दिलों में कायम रखे। और देखिए ये नया क्या कर रही है, चांद रात है तो वो मेहंदी लगा रही है भाई, मगर ईद की नहीं है, रमज़ानों की चांद रात है तो वो तब भी लगा रही है, उसको इतनी खुशी है माशाल्लाह से। इतनी खुशी सबको होनी चाहिए भाई जितनी हमारे बच्चों को है, और बच्चे तरावी पढ़ने के लिए पूरे के पूरे एक्साइटेड हैं। तो देखिए सालन भी हमारा माशाल्लाह से बन चुका है, मैंने 1.5 घंटे बाद अपना जो सालन है वो खोला, ऑलमोस्ट बन चुका है, ये देखिए गल गया है। और हैदर के अब्बू जा चुके हैं सालन बनने में, लेट हो गए थे नमाज के लिए, तो हैदर बैठा हुआ, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो 5 मिनट अभी हैं नमाज में, तो वो जल्दी जल्दी कहता मैं आप मुझे दे दो, मैं जल्दी जल्दी खाकर चला जाऊँगा। तो देखिए माशाल्लाह आपको, आप देख रहे हैं सालन को, बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना कि साबुत चीज़ों से बना, हमने टमाटर भी साबुत डाला, प्याज भी साबुत डाली। तो देखिए फटाफट से, और इसकी रोटी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो आधी रोटी मैंने खा के ख़त्म करवा दी कि खाओ और जल्दी जाओ आके खाना। तो देखिए ये हैदर खा रहा है, हैदर को सालन बहुत अच्छा लगा, तो आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो देखिए हैदर से मैंने अब क्या सवाल किया, और हैदर क्या जवाब देगा, इसको कैसा लग रहा है खाने में सालन, सहरी में खा लग रहा है, और देखिए जवाब क्या देगा, चावल के साथ खाओगे रोटी के, रोटी ठीक है। तो देखिए भाई हैदर तो रोटी खाकर जा चुका है शाह की नमाज पढ़ने और तरावी पढ़ने के लिए, तो आप सभी मेरी वीडियो को देखिए और जल्दी से भाग के नमाज पढ़ने शाह की जाइए, तरावी पढ़ने जाइए। और जो लेडीज लड़कियां बहनें
और मेरे ससुराल वाले मेरे भाई के वाले देख रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो और पूरी रमजान एक भी नमाज ना छोड़ो, और मैं भी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल भी मजबूरी में भी नहीं छोड़ूंगी। बस अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हिदायत दे और अच्छे से रमजान हम सबके गुजरे, अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हम, अच्छे से नमाज पढ़े, 5 वक्त के 4 इश्राक अवाबीन तहजुद एक भी नमाज ना छोड़े हैं इंशाल्लाह। हमें इतनी हिदायत है क्योंकि शैतान एकदम कब्जे में आ चुका है, बन चुका है, तो अब हमें कोई बहकाने वाला है नहीं भाई, तो अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और चलो भाई, पहली सहरी की सबको मुबारकबाद, पहले रोजे की सबको मुबारकबाद, और भाई हम तो स्टू बना कर खा रहे हैं, तो मैंने तो आज बना, आप कल जरूर बनाइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, बाय।